एक वक्त था जब चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम थे, लेकिन वक्त के साथ कहाँ गायब हो गए ये किसी को पता नहीं चला। क्योंकि बॉलीवुड जगह ही ऐसी है जहाँ कई एक्टर रातों रात स्टार तो बन जाते हैं लेकिन अपनी कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाते और धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो जाते हैं या उन्हें फिल्में मिलना बंद हो जाती है। ऐसे ही एक्टर है चंद्रचूड़ सिंह, जिन्होंने बहुत सी बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। वैसे बॉलीवुड में आने से पहले चंद्रचूड़ सिंह एक म्यूजिक टीचर थे और उनके पिता अलीगढ़ में विधायक। आइए जानते हैं चंद्रचूड़ सिंह के बारे में विस्तार से। चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1968 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। चंद्रचूड़ सिंह के पिता अलीगढ़ के खेर में एमएलए रह चुके हैं और उनकी माँ बोलंगीर महाराज की बेटी थी। चंद्रचूड़ सिंह ने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की और अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से की। चंद्रचूड़ सिंह क्लासिकल सिंगर भी है। फिल्मों में आने से पहले चंद्रचूड़ सिंह देहरादून के दून स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर काम करते थे। चंद्रचूड़ सिंह ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने से किया। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने माचिस फिल्म में काम किया और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को काफ़ी लुभाया और उनको माचिस फिल्म में किए गए काम की वजह से बेस्ट मेल एक्टर डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह काफ़ी फिल्मों में मुख्य भूमिका में नजर आए लेकिन उनकी फिल्में अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन चंद्रचूड़ सिंह बहुत सी मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया जो हिट रही। उन्होंने संजय दत्त के साथ दाग दी फायर, शाहरुख खान के साथ जोर जैसी फिल्मों में काम किया। कई बार चंद्रचूड़ सिंह फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुए लेकिन चंद्रचूड़ सिंह का एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। साल 2000 में चंद्रचूड़ सिंह का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो गोवा में बोट राइडिंग कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ और उनके कंधे बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके बाद तो चंद्रचूड़ सिंह का करियर ठप पड़ गया। इस हादसे के बाद उनकी फिटनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा और उनका वजन काफ़ी बढ़ गया। चंद्रचूड़ सिंह की कुछ फिल्में आधे बीच में ही रुक गई और उनकी रिलीज डेट काफ़ी आगे बढ़ गई जब तक कि चंद्रचूड़ सिंह उन फिल्मों में दोबारा काम करने की हालत में ना आ पाए। सरहद पार फिल्म जो 2002 में शूट की गई थी वो भी 2006 में रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। चंद्रचूड़ सिंह 2012 में आई चार दिन की चांदनी फिल्म से वापसी की लेकिन यह भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने जिला गाजियाबाद फिल्म में एक छोटा सा रोल किया। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह की जिंदगी में ऐसा समय आया कि उन्हें फिल्मों में तो दूर टीवी में भी काम मिलना बंद हो गया। कुछ समय पहले चंद्रचूड़ सिंह हॉट स्टार की आर्य वेब सीरीज में दिखाई दिए थे। अगर चंद्रचूड़ सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अवंतिका कुमारी से शादी की है और उनका एक बेटा भी है। कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट ने इस बेहतरीन एक्टर के करियर पर ग्रहण लगा दिया। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।